समंदर किनारे पूरा दिन गुजारने के बाद सोचा कि कहीं आगे बढ़ लूं। साथ में दोस्त लोग भी थे, कहा कि वापस चलते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी था कि अगर घर से इतना दूर आए हैं तो आसपास की चीजें ही क्यों ना देख ले। तो ऐसी ही एक जगह पास में थी, जंजीरा फोर्ट। एक है काय विषय सर, सिद्धी शाह महमूद खान यांचा अहमदगंज राजवाडा। बीवेअर ऑफ डॉग्स। अरे रे रे, वाले वाड्याची हालत खस्ता झाले, पण प्रॉपरली मेंटेन नाही केलंय। काका जंजिरा किल्ला, जंजिरा किल्ल्याला कसं जायचं? हा वर जायचं, फेरी राईट तिकडेच आहे का? फेरी, हा थँक यू। जाते जाते आपको इतने सारे किनारे, इतने सारे लोग दिखेंगे कि आप सोचोगे कि असली जगह पे आप पहुंच गए हो, बट ऐसा नहीं होता है। चलो वर वर जाओ, वर जाओ, टिकड़े जाओ। ये पहली जगह है जहां से आप जहाज के जरिए फोर्ट तक पहुंच सकते हो, लेकिन हमको दूसरी जगह जाना था जहां पे भीड़ कम है और जहां से जहाज जल्दी निकलते हैं। रास्ते में बड़ा गहरा समंदर और ये नजारे और ये हवा आपको खुश कर देगी। आगे आपको जहाज की टिकटें निकालनी पड़ती है और लाइन में वेट करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली किले पे जाने तक हमको कैमरा बंद रखना पड़ा, क्योंकि वहां पे कुछ लोग इस किले का इतिहास बता रहे थे और वो लोग नहीं चाहते थे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन कोई वीडियो पे निकाले और शेयर कर दे, इसलिए हमको उनकी बात माननी पड़ी और कैमरा बंद रखना पड़ा। पूरे समंदर के बीच यहाँ पे मीठे पानी का तालाब है। ऊंची जगहों पे चढ़ने के लिए सीढ़ियों का सहारा लिया जा सकता है। किले की दीवारों पे ऐसी बहुत सारी तोपें लगाई गई है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नंबर्स भी दिए हैं। ये तोपें कुछ स्पेशलाइज्ड मेटल से बनी हुई है ताकि ये ज्यादा गर्म ना हो। उस जमाने में मेटल का कोई ऐसा आर्टवर्क एक आर्टिस्ट ही कर सकता है। आज के जमाने में ऐसे कंस्ट्रक्शंस को देख पाना बहुत ही दुर्लभ है और इसके लिए मैं खुद को लकी मानता हूँ। आज के जमाने में ये तोपे, ये दीवारें लोगों के लिए एक दिखावे का स्वरूप बन चुकी है, बट यही चीजें किसी की जान बचाती थी, हथियारों की तरह काम में आती थी। रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर हम तीन दोस्त कहीं घूमने निकले थे। इतना सामान पकड़ के वीडियो बनाना मेहनत का काम है भाई। दीवारों पे जगह जगह पे ऐसी खिड़कियां बनाई गई है जो उस टाइम पे पहरेदारी के काम आती होंगी, बट आज यहाँ से हवा खाने के काम आती है। इलाका है पूरा, एक दिन में कवर नहीं होगा।
लेकिन ये सब 45 मिनट में कवर करके हमको दिखाना है। पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन ठीक है, कोशिश कर लो। बोट वाले पूरा किला घूम के वापस आने के लिए 45 मिनट का टाइम देते हैं। उसके बाद में वो आपका बोट का नाम पुकारने लगते हैं ताकि आप लोग जल्दी से जल्द बोट तक पहुंच जाओ। ये वाला इलाका कुछ बहुत बड़े से गोडाउन की तरह या फिर खाने के गोदाम की तरह दिख रहा था। इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली क्या है पता नहीं, गोडाउन जैसे कुछ दिख रहा है। एकदम भूल भुलैया वाला रास्ता, सरिया इकड़े, जो हर एक ऐतिहासिक वास्तु के साथ होता है वो इसके साथ भी हुआ था। इकड़े सर इसकी भी दीवारें कुछ आशिकों के नामों से रंगी गई थी। शायद आज ये सब जो देखने मिल रहा है इसके अवशेष कल बचे भी ना, और हमारी आने वाली पीढ़ी शायद इसको देख भी ना पाए। तो इसे देख लो, इसे बचाने के लिए कुछ करो, क्योंकि एक बार ये अगर गायब हो गए तो फिर कभी नहीं मिले। जॉब करने वालों की हालत। इस किले के चारों तरफ पूरा समुंदर ही समुंदर आपको दिखेगा। किले की सबसे ऊंची जगह से आप चारों तरफ की सारी चीजें बारकाई से देख सकते हो, और इतने गहरे इतने शुद्ध स्वच्छ पानी के अंदर एक हल्की सी मोमेंट भी आपको क्लियरली नजर आएगी। इसके अंदर दो मीठे पानी के तालाब है। सोचिए, समंदर से खारे पानी से भरे हुए इलाके में बीच में दो मीठे पानी के तालाब, और वो बनाए कैसे गए होंगे, कौन सा साइंस उसके पीछे यूज किया होगा। किला दिखाने के लिए कोई गाइड नहीं था, तो किले के बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस, बहुत सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आई। यहाँ पे कुछ यूनिक सी कंस्ट्रक्शंस थी जिसका मीनिंग समझने में मुझे बहुत मुश्किल हुई, और मैं समझ भी नहीं पाया। शायद फिर किसी विजिट में या फिर आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे इसका मीनिंग समझ जाए। कुछ कुछ जगहों पे ऐसी खिड़कियां थी जहां से आप दूर तक देख पाते हो, पूरे किले पे नजर घुमा पाते हो। ये वो एंट्रेंस है जहां से हम लोग अंदर गए थे, और ये एंट्रेंस पे एक बोर्ड है जहां पे इसकी इंफॉर्मेशन लिखी है। बहुत सारी दीवारों पे कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, कुछ एनिमल्स के चिन्ह, और कुछ अलग सी लिपि में कुछ लिखा भी गया है जिसका मीनिंग मुझे समझने को नहीं आया। आपको पता हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। किले में जाते हुए वीडियो शूटिंग करना अलाउड नहीं था, पर वापस आते वक्त उन्होंने कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा, तो मैंने कुछ नज़ारे अपने कैमरे में कैद कर लिए। हरे रंग का पानी, नीले रंग का आसमान, फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ आए हुए कुछ लोग, उनके एक्सप्रेशंस इस कैमरे में कैद हो गए। वापस जाते हुए मैं सोच रहा था कि किस तरह से एक पुरानी जगह पे जाकर भी मैंने एक नई जगह देखी। फिर कभी मिलते हैं ऐसे ही किसी एक वीडियो में, तब तक के लिए